भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। कई दिनों से वे अस्पताल में भर्ती थे और बीते दिनों वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे और उनकी सर्जरी भी हुई थी। उनके बेटे अभिजीत ने उनके निधन की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। मुखर्जी का राजनीतिक क्षेत्र से करीब 5 दशक पुराना नाता था। उनका राजनीतिक सफर 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ। सन 1982 से 84 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ। सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। वहीं नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री बने रहे। जब कांग्रेस की गठबंधन सरकार सन 2004 में सत्ता में आई तो उन्हें भारत के रक्षा मंत्री का प्रतिष्ठित पद प्रदान किया गया। मुखर्जी हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए संकटमोचक साबित हुए। कई वर्षों का राजनीतिक अनुभव प्रणब तथा उनकी पार्टी को हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता रहा। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने रहे। सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी को यूपीए सरकार द्वारा 15 जून 2012 को नामांकित किया गया। 81 उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरा, लेकिन प्रणब मुखर्जी भारी मतों से विजयी हुए और 25 जुलाई 2012 को शपथ ग्रहण की और 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।